जी गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप की ग्रुप जो है वो कैसे बनाया जाता है और उसकी नेम कैसे रखना है, फोटो कैसे लगाना है। तो बस वीडियो का एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा अपलोड होने वाली वीडियो पहले तक पहुँच जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट। मैं व्हाट्सएप को पहले ओपन करता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप को ओपन करते हो तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। आसान तरीके है तो आपने क्या करें, तो यहाँ पर मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाएगी न्यू ग्रुप। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर गए और आपने यहाँ पर कुछ बंदे जो है वो ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये दो बंदे जो है वो ऐड किए, तो ये इस तरह शो हो गया। तो इसके बाद आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पर एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर नेम टाइप करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं नाम टाइप करता हूँ न्यू, और यहाँ पर मैं इस इमोजी पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ इमोजी जो है वो भी ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस इमोजी पे क्लिक किया और यहाँ पर आपके सामने का निशान है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करें तो आपकी ग्रुप जो है वो क्रिएट होगी। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, ग्रुप इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस फिर से जो है वो आ जाएगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पर आपने फिर से क्या करना है, तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, गैलरी पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर कोई भी फ़ोटो जो है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट की, तो फिर इसके बाद यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, तो मैं क्रॉप नहीं करता, मैं डन पे क्लिक करता हूँ। तो इसकी फ़ोटो जो है वो लग गई है। तो यहाँ पर आप इमोजी भी दे सकते हो, जैसे कि पर मैं इस पेंसिल पर क्लिक करता हूँ, इमोजी भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं इस इमोजी पर क्लिक करता हूँ, जैसे आप कोई भी इमोजी जो है वो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, डन करता हूँ, टिक निशान पर क्लिक करता हूँ, तो उसकी प्रोफाइल जो है वो चेंज हो गई। तो मैं बैक आता हूँ। अगर आप नेम को चेंज करना चाहते हो फिर से, तो आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है, चेंज सब्जेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इनकी नेम जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से मैं इमोजी को हटाता हूँ, तो ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि नाम जो है वो चेंज हो गई है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाएगी ग्रुप एडमिन। तो यहाँ पर मैंने ये ग्रुप बना दी, तो इसका एडमिन जो है वो मैं हूँ। यहाँ से आप इस ग्रुप को एग्जिट भी कर सकते हो, यानी इनको ख़त्म भी कर सकते हो। ये तो आप यहाँ से कोई भी वीडियो जो है, फोटो जो है, यहाँ से अपलोड कर सकते हो। जैसे कि पर मैंने इस फोटो पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसको इस एरो कैप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये फोटो जो है वो यहाँ पर आ गए है, यानी ग्रुप पर मैंने अपलोड की। तो आप ग्रुप में कॉल भी कर सकते हो, जैसे कि पर ये कॉल का ऑप्शन है, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, कॉल ग्रुप, यानी आप ग्रुप में कॉल कर सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ से मैं इनको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको डिलीट किया। तो यहाँ पर मैं इनके वॉलपेपर जो है वो भी चेंज करता हूँ, तो मैं थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, नीचे वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी ब्राइट, डार्क, सॉलिड कलर, माई फोटो, आप अपने गैलरी से भी फोटो लगा सकते हो, सॉलिड कलर जो है वो भी दे सकते हो। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ब्राइट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत फोटो जो है वो पिक्चर जो है वो आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर डार्क पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं फ़ोटो लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर इस फोटो पर क्लिक किया, थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद यहाँ पर नीचे अपने सेट वाल पेपर पे क्लिक करना है, आपने रखना है फॉर दिस चैट न्यू। यहाँ पर मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ से इनकी ब्राइट जो है कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये इस तरह रख लिया, बैक आता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये हो गया इसकी प्रोफाइल चेंज। यहाँ से आप वॉइस भी दे सकते हो, पर मैं थोड़ा सा वॉइस जो है वो भी देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वॉइस जो है वो दे दिया, तो मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो कैसे है ग्रुप के दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि ग्रुप जो है बिल्कुल प्रोफेशनल बन गया है, आप इनमें मैसेजेस भी कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें।